छह सड़क 35-36 के मध्य स्थित मुस्लिम समाज के लिए आस्था का केंद्र मामा भांजा मजार शरीफ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि आग देने की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस घटना से मुस्लिम समाज में खासी नाराजगी देखने को मिली। इसकी शिकायत सेक्टर 6 भिलाई नगर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। धर्म के नाम पर उत्पात मचाकर नफरत का बीज बोने में सक्रियता बरत रहा सामाजिक तत्व अपनी मनमानी करने में काफी आगे दिखाई दे रहा है। ताज़ा मामला हाल ही में सेक्टर 6 स्थित मजार शरीफ में नजर आया, जहां असामाजिक शरारती तत्वों ने सड़क 35-36 सेक्टर 6 स्थित मजार शरीफ में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी की घटना को अंजाम दिया और अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। घटना में मजार के सामानों को काफी क्षति पहुंचाई गई है। इस घटना की जानकारी क्षेत्रीय थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालातों का जायजा लिया। इस तरह की घटना मजार शरीफ में होने से समाज के लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। सभी ने, जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल थे, सभी ने एक स्वर में न्यायिक जांच की मांग की है। मैं कैंप 2 से आया हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि दरगाह को जला दिया गया कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा, और हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो पूरा जर रहा था, तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पर एकता की मिसाल पेश की। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो आके मजार में ये सब जो जर रहा था उसको भी बुझाया गया पानी के द्वारा। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसने जिस भी असामाजिक तत्वों का इसको ये काम की जो भी किया है, इसको जाँच होनी चाहिए और उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। अगर यही आज किसी अदर धर्म के लोगों के साथ ये कुछ होता तो आज बहुत ज़्यादा माहौल भिलाई का ख़राब हो गया रहता। ये तो हमारी इंसानियत है और मैं सभी धर्मों में अपनी आस्था रखता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि इसकी प्रशासन से यही मेरी मांग है कि इसकी जांच हो और इसमें जो भी लिप्त पाया गया है लिप्त है उसको पकड़ा जाए। मैडम, हम लोग को यहाँ के लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वायरिंग वैसे, लेकिन पंखे को तोड़ा गया है, पंखा अपने से टूटेगा नहीं। पूरी दरगाह शरीफ को ऐसा जलाए, पूरा काला कर दिया, पूरा पर्दा वगैरह पूरा चीज़ जला दिया। और लोग ये बोलते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। आप बताइए, शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहले वायरिंग जलेगी, और तो कुछ नहीं, वायरिंग तो बिल्कुल वैसी, पंखे को तोड़ा गया है। असामाजिक तत्व ये चाहता है कि हम लोग लड़ें, हम लोग नहीं, हमारे अंदर में गुस्सा बहुत है, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, बस सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं। जैसा भी है इसका इंसाफ करिए कि कहीं से भी पकड़ के लाइए, जो भी किया उसको सजा दिलवाइए। नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हमने देखे नहीं किसी को, लेकिन जब हम आए तो पूरी दरगाह में आग लगी हुई थी। हम खुद पानी डाल के बुझाए हैं, इसलिए हमको पता है अच्छे से। हम बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पता चले हमको कि आखिर किया किसने। तो अब सरकार से तो इसके लिए जांच चाहेंगे, क्योंकि ये सामाजिक तत्व है और हम सब एक जगह में मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। 40 साल से दरगाह आज तक कुछ इसमें हुआ नहीं था और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो। और हम किसी को, और बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक बात है ये, जो सामाजिक तत्व में इस टाइप की आग लगाई गई है। असामाजिक तत्व टाइप का कुछ काम किए हैं, और जो भी किया है तो हम कोई देखे नहीं है इसको, और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और उसका पता लगाएं शांतिपूर्वक के अच्छे से हो जाए। हम कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं चाहते, हम किसी को बोलना चाहते हैं। वही भिलाई नगर थाना प्रभारी द्वारा मामले की जाँच होने की बातें कही गई है। विगत दिनों यह घटना प्रकाश में आई थी कि सड़क 35-36 में स्थित एक मजार है, उसमें आग लग गई है। पहले हमको सूचना दी गई थी कि आग लग गई है। जब हम आग बुझाने का इंतजाम कर रहे थे तो हमें कमेटी की ओर से फ़ोन आया कि आप मत आइए, आग बुझ गई है। इसके एक दो घंटे बाद हमको सूचना आई कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई घटना घटित हुई है। इसके बाद हम लोग पूरे लोग सक्रिय होकर के वहाँ पर गए और कमेटी के लोगों से बोले कि आप जिस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, आपको जिस प्रकार की शंका है वो लिख करके दीजिए, हम जाँच कर कार्रवाई कराएँगे। रात को उन्होंने एक पत्र लिख करके हमको आवेदन लिख करके दिया है, और उस आवेदन पर हमने आगजनी का रिपोर्ट दर्ज किया है, उसकी जांच की जा रही है। यदि अपराधी घटना पाई गई तो अपराध दर्ज करके समुचित कार्रवाई की जाए। आरोपी अगर कोई है ऐसा, या कोई घटना घटित किया है, तो उसके खिलाफ में जांच की जा रही है और आए हुए तथ्यों के आधार पर समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रोलिंग टीम हमारी घटना के पहले भी और घटना के बाद भी लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करती रही है और अभी भी कर रही है, लेकिन किस समय क्या घटना हो जाएगी
इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती। अब वो घटना घटित हो गई है, इसलिए पेट्रोलिंग बढ़ाने की उन्होंने मांग किया है। उसके पश्चात से पूरी तरह से उस इलाके में नज़र रखी जा रही है, सीसी कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं और लगातार पेट्रोलिंग पार्टियां और स्वयं मैं भी उस इलाके में पेट्रोलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की और नकेल कसने की आवश्यकता है, ताकि उनके हौसले पस्त हो और इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले वे 100 बार सोचें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।